दोनों क्षेत्रों के लिए कार्बी भवन और डिमासा भवन का शिलान्यास आज होने जा रहा है। लगभग 130 करोड़ रुपयों के खर्च से ये दोनों भवन यहाँ पर अस्तित्व में आएंगे, जो मेडिटेशन गुण वाली औषधियां है इस पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर वहां घूमकर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मित्रों, आज ये भवन का शिलान्यास मेरे हाथों से हो रहा है। 2011 में जो सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था, उसको नरेंद्र मोदी सरकार आज पूरा करने जा रही है। ये स्वप्न के साकार, यहां रहकर हमारे बच्चे, इस क्षेत्र के बच्चे दुनिया को जानेंगे। ये दोनों भवनों का उपयोग कर विश्व के पटल पर, विश्व के मंच पर स्पर्धा करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूरा किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनोखा बांस औद्योगिक पार्क, बांबू का इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का काम भी वहां शुरू कर दिया गया है। कुछ ही समय में वो आकार लेंगे। कार्बी आंगलोंग का सवाल है, वहां तक डोनर मंत्रालय ने लगभग 153 करोड़ रुपया की 17 अलग अलग योजनाओं को वहां देने का काम किया है, और मुझे आनंद है कि 17 की 17 योजनाओं का काम शुरू हो चुका है। डिपू के अंदर मेडिकल कॉलेज, दिठोर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल डिग्री कॉलेज, डिपू में सरकारी लॉ कॉलेज बीएड, कार्बी आंगलोंग पश्चिम में, डिपू में तारामंडल, कार्बी आंगलोंग में मॉडल आवासीय शाला, आरएमएस के तहत बोक्सोंग कार्बी आंगलोंग जिले में 100 बेड का गर्ल्स हॉस्टेल, रगांग में कार्बी पारंपरिक संस्कृति भवन का निर्माण किया, ढेर सारे काम ये कार्बी आंगलोंग के लिए डोनर मंत्रालय ने शुरू किए। और जहां तक दिमासा का सवाल है, आगरा में स्किल डेवलपमेंट केंद्र, हापलोंग में एथनिक कैनन ट्रेनिंग स्कूल और हापलोंग सिविल अस्पताल के परिसर के अंदर ही रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स हॉस्टल बनाना, दिमासा में एक मॉडल आवासीय स्कूल बनाना, ढेर सारे मेरे पास लंबी सूची। ये सारा काम इसलिए हो पाया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं ये मानते हैं कि जहां जहां जनजातियां रहती है, जनजाति को विकास तक नहीं ले जाना है, विकास के कामों को जनजाति तक ले जाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। और ये अप्रोच का ही नतीजा है कि आप दोनों भवन यहां पर बनने जा रहे हैं। आज इसका शिलान्यास हुआ है और जल्द यहां दोनों भवन दिखाई देंगे और इसके उपयोग के माध्यम से ये दोनों क्षेत्र के लोगों को दुनिया के साथ, भारत के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम ये नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से समाप्त हो। साथ में ही आसाम भवन भी बनने वाला है। हो सकता है कभी आपको कार्बी भवन में, दिमासा भवन में जगह न मिले तो सर्वानंद जी आपको आसाम भवन के अंदर भी मन तोड़कर जगा देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था एक बार से परमाणानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का दायित्वभार संभाला, तब से नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए जो कदम उन्होंने आम साल के अंदर उठाए, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट, सारा नॉर्थ ईस्ट सिर्फ असम नहीं, विकास के रास्ते पर जूझे चलने लगा है। सबको उजागर किया है, सबको साहस दिया है, सहयोग किया है। दिमासा से आसाम का लोगों का बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, और इसलिए जब आप ये दिल्ली में दिमासा भवन और कार्बियाबाल भवन निर्माण होने का आज शुरुआत है, ये आसाम का लोगों के लिए भी ये एक गौरव का समय है, ये बहुत ही खुशी का समय है। मैं इसलिए आप लोग सबको धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। And population 10 lakhs
5280 power under the provision of 62 to the Constitution of India. Besides, other hill district covered under the 62 is Dimasa with a total area of 4,890 square kilometer and population 2,13,529. Sir, we have total geographical boundary Dimasa and Karbi Anglong Autonomous Council district 15,000 square kilometer, 15,440 square kilometer. Regarding Goa and Sikkim, again Tripura and Nagaland also. Tripura 10,494 square kilometer, Goa 3,702 square kilometer, Sikkim only 7,094 square kilometer. But we have both district Karbi Anglong and Dimasa 15,433 square kilometer. The Karbi one is standard and symbolized in the national capital, the president of Assam hill tribe in India. It is an outcome of long time autonomy movement of the people and of the MOS Memorandum of Settlement signed within the United People Democratic Solidarity, the Union Government and Assam Government. It is our request to Honorable Home Minister Amit Shah Ji to speedize the release of the grant so that the Bhawan may be constructed in the alleys. 8 years has passed since the signing of the MOS Memorandum of Settlement, yet two projects remain unimplemented, which is due to the absence of clear-cut formula to the implement of MOS Memorandum of Settlement in its entirely. If you can above 12,000 crores as per estimates, the principle of devotional funding does not work since the state government and the line department have their own priorities. Therefore, creation of a dedicated pool of fund is required to implement all the clauses of the MOS in phase manner. I pass my earnest request to the Honorable Home Minister Ji to kindly look in this matter. The inspiration and ultimate demand of the people of two hill districts of Assam is implementation of Article 244A of the Constitution, which provides for the creation of a autonomous state within the state of Assam, comprising the Karbi Anglong and Dimasa district. The MOU and MOS, whereas stopgap measures never intended to resolve the issue of autonomous state demand, hence people movement of various sites and intensities continue until today. It is our earnest request to a tripartite talks involving the Union Government, Government of Assam and both district Karbi Anglong and Dimasa. We arrange to resolve this issue one for all. The people of Karbi Anglong and Dimasa believe in the leadership of dynamic and energetic Honorable Prime Minister Narendra Modi Ji, the reaffirm the faith of the BJP government in the recent parliamentary election, believing the BJP can be put out on and fulfill the hopes and aspirations of the people of Hills in the South. This end, I thank everyone involved in making this possible. I especially thank the Honorable Prime Minister Narendra Modi Ji and dynamic and energetic Honorable Home Minister Amit Shah Ji and Honorable Chief Minister Sarbananda Sunwar Ji, Honorable Minister Donors Dr. Jitendra Singh Ji and Honorable
NEDA convener and finance minister Dr. Himanta Sarma ji and honorable minister Ramisar Daliji and honorable minister Tuliram Ronghang and all honorable MPs present here and all honorable MLAs for their blessing and favoring this and award. Thank you. Joy Hind, Kaatam, Namaskar.